10,000 लोग बेघर, 5,000 लोगों की मौत, जंग अब भी जारी है। 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल में अचानक से हर तरफ इस्लामिक संगठन हमास के लोगों ने हमला कर दिया। 5,000 मिसाइल दागी गई, 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं 200 से ज्यादा लोगों को हमास ने बंधक बना लिया और अपने साथ गाजा ले गए। कुछ ही घंटे बीते थे कि इजराइल ने जंग का ऐलान किया। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. और फिर ताबड़तोड़ हमास को खत्म करने के लिए बमबारी शुरू की गई। इसराइल ने तब से अब तक बमबारी नहीं रोकी है और मकसद है सिर्फ हमास को जड़ से खत्म करना। हमास के चक्कर में फिलिस्तीन के गाजा पट्टी को इसराइल ने छलनी कर दिया है। गाजा में लोगों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। अब तक 10,000 लोग बेघर हो गए हैं, वहीं 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्कूल, चर्च, अस्पताल, हर जगह मिसाइल दागी गई और बच्चे, बुजुर्ग, महिला सबकी मौत हुई। पूरी दुनिया भर के देश दो हिस्सों में बट गए। कोई इसराइल की तरफ खड़ा हुआ तो किसी ने फिलिस्तीन का साथ देने की बात कही। फिलिस्तीन में 16 दिनों बाद दुनिया के कई देशों ने राहत सामग्री भिजवाई, पर वो भी पर्याप्त नहीं थी। गाजा में लोग आज भी दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। वहीं हमास ने अब तक 220 बंधकों में से सिर्फ 4 बंधकों को रिहा किया है और इसे इंसानियत बताई है, पर जंग अब भी जारी है। पूरे गाजा की सूरत बदल गई है, हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा और लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। ना बिजली है, ना इंटरनेट है, ना पानी है और ना ही खाने का ठिकाना। लोग देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। No internet, no electricity until now. As you know, it's becoming impossible to buy bread nowadays. Some bakeries got bombed and not all bakeries are working or functioning. And even if a bakery is working, you literally have to stand in line for 3 hours or more to be able to buy bread. पर इन सब के बीच सवाल यही है कि कब ये जंग खत्म होगी, कब इजराइल बमबारी बंद करेगा और कब गाजा में जिंदगी सामान्य हो पाएगी, कब आम आदमी चैन की सांस लेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।